जिस तरह ऐसा ही होगा। की आदत पड़ गई है, हर पेड़ का तो शाखाएं
ही नहीं पड़ेगी। पहला कदम के भाई अजय को मारने से कुछ नहीं होगा। अजय को ऐसा मारो तड़पा तड़पा के कि पक्षी तालाब का देख कर हर बशर कांप उठे। वो कैसे के पास कोई टाइम नहीं। आधा घंटे हो गए मुझे नाश्ता लगाए हुए। इसकी फिक्र नहीं,
क्योंकि समाज हमें यह अदब नहीं देती है कि अपनी जिम्मेदारी भूलकर अपना काम पहले भारतीय तो ये क्या है? आज हमने सौगंध एक खाई है, थाना पक्षी तैयार में बहुत ही गुंडेगर्दी बढ़ती चली जा रही है और उस गुंडेगर्दी के पीछे बहुत ऊंचे अधिकारियों के भी हाथ हैं। वो गुंडे को भी पुलिस का खौफ नहीं खा रहे, उन डाकुओं के खिलाफ वारंट जारी कराने के लिए भाई डॉक्टर साहब के पास जाना है। इसलिए आज का रास्ता तो थाने नहीं भेजो। क्यों? क्योंकि हम ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे ही ऑफिस में आकर के साथ पे बैठकर हम दोनों लेट चुके हैं। ठीक है, अपने दिल की तो तुमने बात बता दी। तुम्हारे दिल में क्या है? हमारे दिल में ये कौ? सारा दिन तुम ड्यूटी करते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम यहाँ की ड्यूटी कौन करेगा? मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को। कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि हमारा पति हमसे दूर रहे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कुछ टाइम निकाल कर हम तुम्हारे पास बिटिंग करेंगे। सिर्फ बातें हमारी तुम्हारी तुम्हारे ही ऑफिस में होंगी। ठीक है, नाश्ता ऑफिस में तुम्हारे करेंगे, अधिकारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलता मैं आज जाने नहीं दूंगी। क्या पागल हो गई क्या? मेरा मन नहीं कहता तुम ड्यूटी पे जाओ। पार्टी देवी अधिकारियों ने बुलाया है। देखो कितना अच्छा मौसम है। तो क्या तुम ये जानते हो कि हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते, हम तुमसे प्यार नहीं करते? जब मैं तुमसे मोहब्बत की बातें करने लगती हूँ यही मौका निकाल लेते हो। और हमें तुमसे प्यार तो मैं तेरे लिए।
भगवान, बाकी तुम्हारे ड्यूटी पे गए और मुझे भी ड्यूटी पे जाना बहुत जरूरी है। अब मैं जाती हूँ ड्यूटी पे, वहां पे सिराज भैया मेरी रास्ता देखता होगा। ओ बलमुआ हमार जय राम के बाबोए, काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक अजय और मुझे ऑफिस आना है। नमस्ते अजय बाबैया, टाइम से तैयार होकर ऑफिस के लिए पहुंच जाते हो, कभी लेट नहीं होते हो ड्यूटी से, लेकिन तो जानता है एक बात कहना चाहूंगा भैया, वो कौन सी बात? बहुत खराब है और बक्सी तालाब के अंदर गुंडे गर्दी चलती है, इसलिए बहुत संभल कर जाना और ड्यूटी से बहुत संभल कर घर वापस आना। अजय तो मेरी चिंता छोड़ और अपनी सेहत का ख्याल कर, ठीक भैया? मैं वो चल जाऊंगा। नमस्ते भैया जी। हाँ बड़े बड़े भाई जो टाइम से ड्यूटी जाते हैं टाइम से घर वापस आते हैं। मेरे बचपन में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान बहुत प्यारे हो गए, लेकिन मेरी परिवार से उन्होंने ऐसे किया है अपना बेटा समझकर, मैं भाई नहीं पिता के समान समझता हूँ। सुमन आज भैया ड्यूटी चलेंगे, अच्छा मौका है तुम्हें मिलने का। मेरी जान सब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूं, मेरा दिल नहीं लगता है। अरे जानू आपके प्यार में तो हम समझने लगे मेरी जान। हाय आपके प्यार में हम समझने लगे, आपके प्यार में हम Oh,
आज अगर कोई तरीके पे दूसरी औरत होती ना तो महिला पुलिस बुलवा करके वो हालत करवाना जो नारी विवाद में कभी कत्ल करने के लिए ख्वाब नहीं सोचती। मैंने कौन नहीं किया है? स्वामी किसको कहती है तू? कौन है तेरा पति? किसकी है तू पत्नी? तू पत्नी के नाम पर दाग है और आज इस वक्त ना ही तू मेरी पत्नी है और ना ही मैं तेरा पति हूँ। तू 302 की मुस्लिम और मैं एक ऑफिसर हराम खोर। बात पर तेरे कहते और मैं कर लू यकीन जबकि मौके पर तू ही बाजी ही गई कर तूने किया और भारतीय सिरू का 302 की मुस्लिम बाजी सच्चाई को छुपाने के लिए तूने उसकी भी सौगंध खा लिया। भगवान को तो प्राप्त करना चाहती है? नहीं जमीन में झूठ नहीं कहती हूँ। आगे जमीन बताओ ये मेरा जब रहते था मैं इसका क्यों भूल करूंगी? क्या जमीन इसी बात का तो मुझे खौफ है। ये तेरी गुलामी करने वाला तेरे हुकुम के दावेदार तेरे सारे पर हर काम करने वाला आज वही तेरा दुश्मन क्यों? कैसे? क्या गुनाह किया था इसके जो तूने आज इसका कत्ल किया है? और यह तू उस परमात्मा की कसम खाके वादा करती है तो भेज कर कोई ऐसा गवाह ला यहाँ पर ऐसा कोई सबूत जिसे यह साफ चाहे बोले कि कातिल तू नहीं है। ये भगवान मैं इनको कैसे समझाऊं? मैं इनके सामने ऐसे कौन सा गवाह पेश करूं ताकि इनको यकीन हो जाए ये कौन मैंने नहीं किया है? सभी ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है ना ही तो कोई गवाह है। अगर तुमको हमारे पे विश्वास नहीं है तो मेरे पास एक गवाह है। तो क्या डरता है या तू डरती है मेरे सामने पेश करने सबसे? सभी मैं अपने मंगल सूत्र की कसम से कहती हूँ ये कौन मैंने नहीं किया नहीं किया। मुंशी रामनाथ आज भी हकीकत है जी सर। हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा आज भी एक सच्चाई की तरह डिपेंड है जी सर। हमारे हिंदुस्तान की नारी सब बर्बाद कर सकती कुर्बान कर सकती है लेकिन अपने शोहर को दांव पर नहीं लगा सकते। नहीं लगा पति चाहे जैसा भी हो लेकिन औरत कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। भारती देवी का कहना है कि मैं शौहर की कसम खा करके वादा करती हूँ कि मैंने कदम नहीं दिया। सर ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या ये आंखें मेरी धोखा खा गई? इसके चपरासी की बड़ी लाश क्या तुम्हारी सपना है? नहीं सर। कैसे डिसाइड कर लो कि इसने कदम नहीं किया है? जी सर। लेकिन हो सकता है अगर तुम्हारी नजरों में मैं खुलू स्वामी जो दिल में आए वो कर सकते हो। भारती देवी कपाट इस वक्त पर और जानता मैं सभी पर गिरफ्तारी तेरी जरूरी लाश के पास जब और तू ही बाजी गई लेकिन हमसे ऊपर के अधिकारी क्या सोचेंगे? इंस्पेक्टर पवन एक ईमानदार ऑफिसर अपनी पत्नी को दफा 302 के केस से बचाने के लिए आज कानून को दांव पर लगा तो अच्छा लगे सो कीजिए।